हाय दोस्तों, अगर आपके घर पे पपी है, आपके घर पे डॉग है जो मना करने के बावजूद किचन एरिया, बेडरूम एरिया, बालकनी, टेरेस या फिर मंदिर ऐसे एरिया में जाता है और आपको इस वजह से कुछ टाइप की मुसीबतें हो रही है, ऐसे जैसे आपका डॉग किचन में जाता है, कचरे में से कचरा निकाल लेता है, या फिर वो मंदिर एरिया में जाता है, भगवान के पास रखे हुए प्रसाद को खाकर चोरी कर लेता है, तो अगर आप ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए लाया है बॉर्डर गेम। अब ये बॉर्डर गेम क्या होता है? आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने डॉग से कि वो किचन एरिया या फिर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ना जाए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके डॉग को पैदा होते ही ये सारे आइडियाज़, ये सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए उनको ये सारी चीज़ों को सिखाना पड़ता है। डॉग्स लोग वैसे तो टेरिटरी डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें पता होता है बॉर्डर के इस पार मेरा लाइफ डेंजर में है या नहीं, उस एरिया में मुझे मेरा प्रेजेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसी को बोलते हैं बॉर्डर गेम, जो कि एक ट्रेनिंग मेथड के हिसाब से हम आपके पपी को, आपके डॉग को सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 12 स्टेप्स को वन बाय वन डिफाइन किया है और प्रेजेंट किया है। अगर आप वो सारे स्टेप्स को एक के बाद एक प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और पूरे 12 स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे, तो आपके डॉग को मैं गारंटी देता हूँ अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम वो इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाएगा। मेरा नाम है भास्कर चौहान और आपका स्वागत है इस चैनल डॉग ट्रेनिंग विद पेट गुरु। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको डॉग को ये सिखाना है कि किचन में ना एंटर करे, बालकनी में ना एंटर करे, तो दो स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कमांड नो और दूसरा होता है स्टे। स्टे से पेशेंस आता है और नो से उन्हें समझता है कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। जब आप नो बोलेंगे तो डॉग को ईजिली समझ जाता है कि उसे वो पर्टिकुलर पार्ट पर नहीं जाना है, ये पर्टिकुलर चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, और कुछ करते करते आप उसे स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो स्किल डॉग को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम लोग उन चीज़ों पे भी, उन टॉपिक्स पे भी वीडियो को बना देंगे, ठीक है। सो पहले आप जस्ट एक रिफ्रेशर देने के लिए अपने डॉग को फूड दिखाएंगे और उसे नो बोलेंगे। हेलो, नो। यस, गुड बॉय। तो जब मैं नो बोल रहा हूँ, भालू को समझ रहा है कि ये फूड को भालू को हाथ नहीं लगाना है। नो। यस, गुड बॉय। सो जब भी मैं नो बोल रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशन भी उसी तरीके से होने चाहिए। मैं अगर नो बोलूँगा और मेरा एक्सप्रेशन ऐसा नो, ऐसा वर्क नहीं करता है। तो जब आप नो बोलेंगे, पूरे इमोशंस के साथ आपको ये बताना है भालू को कि नो मतलब नो। अभी आपने देखा, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस हैवी थे, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस सीरियस थे, इमोशंस सीरियस आ रहे थे, इसलिए भालू ने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तो इसीलिए एक्सप्रेशंस का होना, इमोशंस को उसी तरीके से इमोट करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। यस, गुड बॉय। जब आप खाना दे रहे तो यस, ऐसे सोचिए कि दुनिया का बेस्ट डॉग है भालू। जब आप नो बोल रहे हैं तो आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि भालू, जो तुम कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब ये दंडा हम लोग उसको मारने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, ये दंडा इसलिए है वो एक बॉर्डर सेट करेगा। अगर आपने देखा रहेगा कि डॉग्स लोग अपने बाउंड्रीज, जैसे एक डॉग को पता है उस इलाके में नहीं जाना चाहिए, हम बोलते हैं ना इलाका तो कुत्तों का होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो बाउंड्री है ये एक टेरिटरी सेट करेगा, ये एक बाउंड्री सेट करेगा, एक लिमिट या फिर इलाका को अलग करेगा। सो सिमिलरली अभी आप देखिए मैं क्या करूँगा, भालू नो, एंड मैं ये पार्ट में डाल रहा हूँ। तो भालू को मैंने नो बोला और मैंने इस पार्ट में फूड को रख दिया। अब जब मैं ये पार्ट में डालूंगा तो नो है, एंड जैसे ये पार्ट में जाएगा यस। तो इससे एक रफ आइडिया हो रहा है कि ये पार्ट में नो एरिया है, जैसे बोलते हैं ना ये कंट्री है जहाँ पे आप अलाउड हो, यहाँ पे वो कंट्री, इमेजिन पाकिस्तान है जहाँ पे आप नहीं जा सकते, या फिर कोई क्रॉस कंट्री जहाँ पे आपको जाना अलाउड नहीं है। सो अगर ये लाइन के पार भी है तो मैं इस वक्त भालू को नहीं आने दूंगा, ठीक है। अब फिर से भालू नो, गुड बॉय, गुड बॉय।
गुड बॉय, यस। एंड देखिए यहाँ पर भालू खा सकता है एंड यहाँ पर भालू नहीं खा सकता, तो भालू को समझ जाएगा डंडे के इस पार या फिर कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ उसका टॉय नहीं होना चाहिए या फिर आपके डॉग को वो पर्टिकुलर चीज़ टॉय नहीं लगना चाहिए। गुड बॉय। अब मैंने बहुत सारा ढेर सारा फूड डाल लिया क्योंकि भालू का नो और स्टे अच्छा है। ओके, अगर आपका डॉग ये पार आके फूड चोरी कर ले रहा है, मतलब आइडिया सिंपल है, आपके डॉग को ना स्टे पता है ना नो पता है, तो अगर फाउंडेशन ही वीक रहेगी तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। यस गुड बॉय। मैं अभी भी अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इधर डाला, फिर इधर डाला, इधर डाला। एंड गुड बॉय, प्रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना भालू को समझेगा कैसे कि ये चीज़ अलाउड है या नहीं अलाउड है, राइट? सो इस तरीके से गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस गुड बॉय, गुड बॉय, यस। एंड फिर से देखिए हम लोग अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस ये प्रेजेंट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अलग अलग टाइप से एग्जांपल नहीं दोगे तो आपके डॉग को समझेगा कैसे, वो एक ही टाइप का एग्जांपल लर्न करेगा और फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए गुड बॉय, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करो, ऐसे फूड इधर जा रहा है, कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो डिफरेंट एग्जांपल्स, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉग को और कन्फ्यूज कर दो। गुड बॉय, गुड बॉय, यस। अब मुझे ऐसा लगता है कि भालू इस लेवल पे अच्छा कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना अफोर्ड कर सकता हूँ। एंड अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अभी जो डॉग फूड केबल था वो भालू के लिए एक लेवल तक वैल्यूबल है, लेकिन उससे कई ज़्यादा वैल्यूबल ये बिस्किट है। सो जैसे हमने बोला था कि अलग अलग टाइप के आपको वैरायटी करने, अलग अलग टाइप के एग्जांपल आपको देने, ये मेरा इंटरप्शन है, जब मैं आहा बोलता हूँ तब भालू का समझता है ये काम नहीं करना है। सो भालू नो, सेम थिंग जैसे हमने डॉग फूड के साथ किया था वैसे ही हम इसके साथ भी कर रहे हैं। गुड बॉय, गुड बॉय, यस। एंड जब भी आप फूड दोगे ना, आपको ये पार्ट में नहीं देना है, ओके? सो मैं ड्रॉप भी करूँगा तो मैं वो साइड करूँगा, ये साइड दूंगा तो अगेन हम लोग ओके, भालू को कुछ नज़र आ रहा है, मक्खी। सो जब भी अगर मैंने ये साइड यस बोलकर दे दिया तो मैं तो खुद ही एक टाइप का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसीलिए भालू को यहाँ पर नो, ये साइड नो, यस, इस तरीके से हो गया। अभी हम जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने डॉग फूड रखा था वैसे ही भालू नो, गुड बॉय, नो। याद रखिए हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भालू के लिए ये चीज ज्यादा डिफिकल्ट है कंट्रोल करने का। हाँ नो, गुड बॉय, गुड बॉय, यस। ओके, सो भालू के लिए ये लाइन अगेन एक बॉर्डर का काम कर रहा है। जब आप अगेन, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर भालू ये लाइन के आगे अपने पैर अपने हाथ को रखता है तो आपको पीछे ले जाना है, क्योंकि इनिशियली अगर आप उसे बताओगे कि हाँ थोड़ी सी छूट ठीक है तो भालू उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करेगा। हाँ, सो मैंने हल्की से पुश किया, आपको पनिश नहीं करना, आपको बस डॉग को गाइड करना है और ये बोलना है कि नहीं आप यहाँ पर अलाउड नहीं हो। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, ये गुड बॉय इसलिए ताकि भालू को पता चले जो अभी हो रहा है वो मैं चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि भालू ऐसे चीज़ें और करें। ऐसा हो सकता है कि जो थोड़े बहुत इसके पीसेस पड़े, क्रम्स पड़े, भालू जाकर उसे खा ले, लेकिन जहाँ तक हो सके आप इंश्योर करो कि भालू को ये टाइम कोई भी चीज़ को निकालने का मौका ना मिले। अगर आप, आपको ऐसा लगता है कि बाद में आप छोटे पीसेस को नहीं उठा पाओगे तो आप प्लीज़ डंडे को उठा दीजिए ताकि कोई भी टाइप का बॉर्डर ना दिखे और ये ना लगे कि मैं बॉर्डर को लांग कर फूड के पास आ रहा हूँ। अब मैं और डिफ़िकल्ट लेवल पे काम करूँगा, तो यहाँ पर मैं हूँ अगर, तो भालू पे मेरा कंट्रोल बेटर है, लेकिन अगर मैं वो साइड जाऊँगा तो ये पार्ट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, राइट? ये पार्ट पे गाइड करने के लिए कोई है नहीं। सो मैं ये पार्ट पे जाऊँगा जहाँ पे भालू को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कंट्रोल करने में मेरे लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इसे फूड दिखाऊँगा, भालू नो, एंड मैं उस पार फेंक रहा हूँ। गुड बॉय, अगर ये अच्छा कर रहा है
तो आप इसे गुड बॉय प्रेस करेंगे, गुड बॉय एंड फूड इधर से यस। इसका मतलब अगेन सेम चीज़, बार बार हम सेम चीज़ को बोल रहे हैं कि देखो बेटा वो पार आपके लिए नहीं, जब ये पार आएगा वेट कीजिए आप और आपको डेफिनेटली उस चीज़ का आपको वैल्यू मिलेगा। नो, गुड बॉय, यस। और ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा जब भी आप भी कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। चांसेस है कि आपके डॉग को लगे कि हाँ अभी तो शायद ये कुछ बोल नहीं रहा है, मैं जाकर खा सकता हूँ, तो ये सब सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि डॉग्स लोग हमसे कई ज़्यादा फास्ट होते हैं। अभी देखा आपने, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आज के पूरे एक्सरसाइज में देखने मिला कि भालू को पता है कि ये डंडे को पार करके नहीं जाना है, लेकिन हमने उसे ये बोला कि यहाँ पर से नहीं आ सकते, राइट? तो भालू ने अपना दिमाग लगा, अपना एप्लीकेशन लगा और भालू अब ये साइड से जाकर फूड की तरफ आ रहा है। तो कुछ लेवल तक हम लोग सक्सेसफुल हुए ये बताने में कि भालू ये आपके लिए नहीं है। ओके, सो फिर से हम भालू नो, गुड बॉय। भालू नो, अगेन डिफरेंट एग्जाम्पल। जैसे मैंने पहले एक फूड डाला था, दूसरा फूड लाइन बाय लाइन, अब मैंने पूरा ढेर सारे फूड को ये साइड डाल दिया, सेम आइडिया कि आप उधर नहीं जा सकते। गुड बॉय, यस। अब क्योंकि भालू अच्छा कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप एक ही पीस दो। अगर आपको लगता है कि ये टाइम डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा थी, या फिर अगर आपको लगता है कि भालू ने हर टाइम से ज़्यादा बेटर किया अभी, तो आप अराउंड 2-3 भी दे सकते हैं। हे गुड बॉय, यस। एंड देन जैसे मैंने अभी 3 दिया ऐसे, तो भालू को ये समझेगा अच्छा ये वाला अटैम्प्ट पहले वाले से बेटर था, तो इसका मतलब ये है कि भास्कर को पहले वाले अटैम्प्ट से ज़्यादा ये वाला अटैम्प्ट ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली इस डंडे को जहाँ पर भी आप किचन हो, बालकनी हो, बेडरूम एरिया, वहाँ पर आप इसे प्लेस कर दोगे। तो भालू के केस में प्लांट्स के वजह से हम लोग भालू का प्रैक्टिस बालकनी में करें, क्योंकि भालू को आदत हो गई है बाहर जाना और लीव को खाना, तो ये लीव्स को खाता है, कुछ प्लांट्स यहाँ पर टॉक्सिक है एंड उसकी वजह से उसके हेल्थ पे इशू आ सकता है, उसके लिए डेंजर हो सकता है। तो हम लोग पहले डंडे को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगता है कि इतना वाइड विंडो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे सामने ला कर भी जो इसका जो विड्थ है उसको सेट कर सकते हैं, राइट? तो बस ये एग्जांपल के लिए था, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ऐसा ना हो कि डंडा सिर्फ इधर तक है इसलिए आपका डॉग यहाँ पर से जाकर बालकनी में एंटर कर ले। तो इनिशियली अगर आप जो पैसेज है, जो विड्थ है एंट्री का, उसको आप कम भी कर सकते हैं एंड उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? या फिर आप डंडे को बड़ा यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। सो ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एंड मैंने भालू को दिखाया, देखो भालू इधर ही है, हम लोग ने इधर डाला, वेरी गुड। भालू को खुद समझ गया, मुझे नो बोलना भी नहीं पड़ रहा है। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपके डॉग को नहीं समझ रहे, तो प्लीज़ बोलिए, ओके? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। गुड बॉय, एंड फिर से भालू के पास फूड चला गया, ओके? एंड फिर से हम लोग भालू को दिखाया, देखो भालू इधर ये सामान है, ये आपको बहुत पसंद है, ये देखो भालू डेफिनेटली उसे बहुत पसंद है। एंड फिर हम लोग इसे यहाँ पर रख देते हैं, एंड भालू बहुत अच्छा कर रहा है, गुड बॉय। एंड यहाँ पर हम लोग यस, ठीक है? अब मैं फूड को इधर ही रहने देने वाला हूँ एंड मैं वो साइड जाने वाला हूँ। कौन सा साइड? भालू वाले साइड पे। तो ये जो फूड है ये अनसुपरवाइज्ड है, क्योंकि ये साइड में, और डेफिनेटली भालू मुझसे ज़्यादा फास्ट है, तो भालू अगर चाहे तो मुझसे पहले यहाँ पर आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, फूड मैंने इधर रखा और मैं ये साइड आ जाऊँगा एंड हम लोग भालू को एक टाइप से टेस्ट कर रहे हैं कि भालू वो साइड जा रहा है या नहीं जा रहा। सो अगर भालू नहीं जा रहा है, यस गुड बॉय एंड
फूड भालू की तरफ ट्रैवल होकर इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, भालू को धीरे धीरे ये समझेगा कि मुझे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है वो कोई ना कोई तो मुझे यहाँ पर लाकर ज़रूर देगा। ठीक है, जितना दूर मैं बालकनी से, जितना दूर मैं फूड से जाता हूँ, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे होगा भालू को कंट्रोल करने में। क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं इतना दूर चले जाऊँ, भालू ने ये डिसाइड किया कि यस मैं भी भाग कर जाऊँगा और मुझे फूड खा लेना है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा भालू के स्पीड को मैच करना और से जाकर उधर स्टॉप करना। तो उस केस में आप अपने डॉग पे लीश भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेटली आप उतना तो स्पीड है नहीं कि हम जाके पकड़ लें, लेकिन अगर लीश रहेगा तो आप लीश से अपने डॉग को खींच सकते हैं। तो डेफिनेटली आप डॉग को लीश पे डालिए अगर आपको अपने डॉग के कंट्रोल पे, अपने डॉग के रिलायबिलिटी पे भरोसा नहीं है तो। यस, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या है कि मैं बालकनी से, मैं सोर्स ऑफ इंटरेस्ट, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन से दूर जाऊंगा। जब मैं दूर जाऊंगा तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा भालू को कंट्रोल करने में। सो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था, आप अगर आपको लगता है कि आपका डॉग आपके नहीं सुनने वाला, तो प्लीज़ लीश लगा ले आप। ठीक है, लीश लगाने से आपको हेल्प होगा कि सपोज़ भालू उधर जा रहा है तो मैं लीश को पकड़ के वापस इस तरीके से खींच के भालू को ये बता सकता हूँ, भालू ये चीज़ नहीं चलेगी। सो भालू को मैंने फिर से फूड दिखाया इधर, ओके, एंड अब मैंने फूड दिखा दिया है, अब मैं भालू नो एंड मैं इधर रख दूंगा। एंड अभी देखिए, पहले ना आप ज़्यादा दूर मत जाइए, जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड जाते हो, फिर सेकंड स्टैंडर्ड जाते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, यूनिट टेस्ट, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग धीरे धीरे अपनी डिफ़िकल्टी को इंक्रीज करते हैं। तो सिमिलरली अभी मैं इतना दूर नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं इतना दूर जाऊँगा फिर मैं आऊँगा, बोलूँगा भालू गुड बॉय, ठीक है, फिर मैं थोड़ा और दूर जाऊँगा एंड फिर से मैं भालू के पास आऊँगा, हे गुड बॉय, एंड फिर क्या होता है, भालू को वो चीज़ करने मिलेगा जो चीज़ भालू को सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ खाने मिलेगा। तो मैं इधर जाऊँगा, मैं इधर से गुड बॉय बोलूँगा एंड मैं इसे फूड दे दूँगा। याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भालू को मैं जब भी, ऐसा नहीं हो सकता कि भालू को बोलूँ भालू गुड बॉय आप जाकर खा लो, वो चीज़ कभी नहीं होगा। एंड अभी हम फ्री रोम करेंगे, ओके, मैं धीरे धीरे और डिस्टेंस इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है, हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, गुड बॉय, प्रेज हो रहा है, वेरी गुड, गुड बॉय, हे हु इज दिस गुड बॉय, हु इज दिस गुड बॉय, हु इज दिस गुड बॉय। एंड फिर से हम लोग दूर जा रहे हैं, ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ दूर जा रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि इधर ही जाना है, ओके, आप किधर भी जा सकते हो, बट एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, अगर मैं फूड और भालू के बीच में हूँ तो मुझे ईजी है कंट्रोल करना और भालू ठीक तरीके से समझेगा। जैसे मैं भालू के पीछे की तरफ जाता हूँ, भालू के लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना। गुड बॉय, हु इज दिस गुड बॉय, हु इज दिस गुड बॉय, हु इज दिस गुड बॉय। अभी आप एक एग्जाम्पल देखिएगा, मैं इधर आऊँगा और भालू उधर जाकर बैठ गया अभी भी, क्योंकि भालू को पता है मैं भले इधर आ सकता हूँ, भालू के इधर कोई एंट्री नहीं है, ओके, एंड फिर से हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब थोड़े से ना मेरे मूवमेंट और भी ज़्यादा जिटरी, फास्ट और थोड़े से डिस्ट्रैक्टिंग होंगे भालू के लिए, सो मैं फटाफट इधर जाऊँगा, फटाफट इधर आया, गुड बॉय भालू, गुड बॉय, गुड बॉय, एंड फिर से मैं इधर जा रहा हूँ। सो नॉर्मली क्या होता है ना, डॉग्स आपको चेस करते हैं, तो इस वक्त भी भालू को चेस करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो ये तो डेफिनेटली एक प्रेस करने वाला, अप्रिशिएशन वाला मोमेंट है, गुड बॉय, हे गुड जॉब, गुड बॉय, हे हे हु इज दिस गुड बॉय, हु इज दिस गुड बॉय। एंड फिर से हम लोग ये रिपीट पे रिपीट पे रिपीट, टॉय मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब उसके पीछे चेज करना। सो फॉर एग्जांपल अगर ये बॉल को हम लोग इस तरीके से फेंके तो भालू क्या करेगा, उसकी तरफ भाग कर जाएगा, ओके, वेरी नेचुरल, ओके। अगर मैंने ये टॉय को ऐसे करके इधर फेंका तो भालू उसकी तरफ भाग रहा है, इधर भाग रहा है, भालू बोल रहा है किधर भागू मैं, किधर भागू, दिख रहा है आपको। सो सिमिलरली अगर ये देखिए, जहाँ पे मैं जो चीज़ फेंकूँ भालू को उधर जाना है, अब मैं क्या करूँगा ना, सेम चीज़ यहाँ पर, ये चीज़, ये चीज़, इसको मैं दिखाऊँगा
और एक के बाद एक या फिर एक एक करके मैं टॉय को बालकनी एरिया में फेंकूंगा। ओके सो ये देखिए बालू नो एंड इस तरीके से हमने इधर फेंका। ओके सो मैं इधर फेंकूंगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बालू उधर जाना चाहिए। सो जैसे और ये याद रखिए ये डंडे को आप रख के भालू को ये आप दिला रहे कि देखो आपका बॉर्डर उधर गुड बॉय ये देखिए भालू अच्छा कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाऊँगा गुड बॉय यस एंड भालू को हमने वो टॉय दे दिया। सो ये टाइम भालू को भागने का चांस नहीं था, ये टाइम पूरी फ्रीडम है भालू के पास। ओके सो हमने ये किया एंड देखिए फिर से ये देखा भालू नो एंड इसे मैं रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि बालकनी से बॉल नीचे गिर सकता है जो कि बाकी लोग के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमने बॉल को से रोल करके डाला उधर। गुड बॉय एंड ये देखिए एंड लेट्स से आपका डॉग भी अच्छा कर रहा है तो आप जाइए प्रेस कीजिए गुड बॉय फिर आप जाओगे बॉल की तरफ या फिर टॉय की तरफ एंड इसे उठाओगे यस। अब भालू को चांस क्या मिला भागने का एंड भालू को फ्रीडम मिल गया फिर से गुड बॉय एंड भालू माइन यस गुड बॉय हे वेरी गुड एंड अभी देखिए भालू उसको चेस कर रहा है राइट भालू इसे चेस कर रहा है यस देखिए कितना चेस वाओ वेरी गुड अभी देखिए भालू नो एंड भालू बोला ओ शिट मेरा टॉय तो बॉर्डर के उस पार है मैं क्या करूँ सिंपल वेट करो मैं जाऊँगा उधर और मैं उस तक टॉय के वापस लाऊंगा और भालू को रिवॉर्ड में क्या मिलता है इससे खेलने का मौका है हे यस गुड बॉय हे हे गुड बॉय सरप्राइज है उस टॉय के बदले हम लोग भालू को उसको फेवरेट टॉय देंगे यस गुड बॉय Very good. मुझे पता नहीं आप लोग ने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया या नहीं किया भालू के मुंह से बॉल रोल होकर खुद चला गया था लेकिन भालू ने उसको फॉलो नहीं किया वो एक पॉजिटिव साइन है ओके वेरी गुड की लेसन भालू के दिमाग में जा रहा है देखिए बॉल चला गया लेकिन भालू उधर नहीं जा रहा वेरी गुड साइन गुड बॉय क्योंकि ये बिहेवियर बहुत अच्छा था मैं उसको वेट भी नहीं करने बोलूंगा मैं सीधा जाऊंगा एंड यस भालू माइन यस हे हु इज दिस गुड बॉय भालू जैसे फूड में हम लोग ने डिस्टेंस क्रिएट किया था प्लीज टॉय के साथ भी डिस्टेंस क्रिएट कीजिए मैं ये टॉय को फेंकूंगा यहाँ पर एंड फिर से हम लोग डिस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड भालू की रिलायबिलिटी भालू का प्रैक्टिस कितने अच्छे तरीके से हुआ भालू का अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे इससे हमको पता चलेगा कि भालू फूड के साथ ही नहीं टॉय के साथ भी भालू को समझ रहा है कि मुझे उधर नहीं जाना चाहिए गुड बॉय डोंट फॉरगेट टू प्रेस। अब हम आ गए लास्ट स्टेप में एकदम सिंपल काम करना है आपको आपको ये काम करना है कि जो स्टिक हमने बालकनी एरिया किचन एरिया में रखा था आपको वहाँ से उसे निकाल देना है। तो पहले आप स्टिक के साथ प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस के बीच में ही आप स्टिक को निकाल दोगे तो इससे आपके डॉग को ये समझेगा कि अगर स्टिक नहीं है तो भी उसे वो एरिया में जाना अलाउड नहीं है। और जैसे बालकनी था अगर आपको बालकनी में ट्रेन करना तो बालकनी में आप करोगे उसी तरीके से किचन में करना था किचन में बेडरूम एरिया टेरेस बालकनी जिधर भी आपको इस चीज़ को आपके डॉग को सिखाना है आप वहाँ पर से स्टिक निकालेंगे एंड एवरी डे उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे ताकि बिना स्टिक के भी आपके डॉग को ये समझ जाए कि वो एरिया उसके लिए बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको होगा क्या मेरा डॉग जब भी मैं मौजूद नहीं हूँ उस रूम में जब भी मैं उस एरिया में मौजूद नहीं हूँ क्या तो भी वो इस रूल को निभाएगा बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ आप ये मानिए कि किसी ट्रैफिक सिग्नल में एक ट्रैफिक पुलिस है और क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद है लोग ट्रैफिक रूल्स को
फॉलो कर रहे हैं। अभी आप ये इमेजिन कीजिए किसी दिन वो ट्रैफिक पुलिस उस एरिया में ना हो, तो आपको लगता है जो उधर के लोग हैं उसी इंटेंसिटी से, उसी इंटेंशन से, उसी ईमानदारी से रूल्स को फॉलो करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ठीक उसी तरीके से जब आपका डॉग ये देखता है कि यहाँ पर मौजूद एरिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे गलती करते हुए पकड़े, या फिर जब भी वो गलती कर ले वो कुछ जाए और उसे कुछ वैल्यूबल मिल जाए तो उसे रोक पाए, तो आपके डॉग को ये चीज़ पता होता है। और इसीलिए आपका इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, आपको या तो एक डोर या तो आपको एक बेबी गेट को इंस्टॉल करना है, या आपको तभी यूज़ करना है जब भी आप उस रूम में मौजूद ना हो। इसे बोला जाता है फिज़िकल मैनेजमेंट टूल्स। फिज़िकल मैनेजमेंट टूल वो काम करता है जब आप उस रूम में मौजूद नहीं है तो पैसिवली गेट, बेबी गेट या फिर डोर आपके डॉग को ट्रेन कर रहा होता है उस एरिया में नहीं जाने के लिए। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप रूम में हो, आप प्लीज़ बेबी गेट को ओपन करके रखिए, आप किचन में जाइए, एंड जब भी आपका डॉग आता है तो सेम मेथड्स को फॉलो कीजिए। जब भी आप उस रूम में नहीं हो तो बेबी गेट बंद कर दीजिए ताकि आपके गैर मौजूदगी में आपके डॉग को गलती करने का मौका ना मिले और आपके डॉग का लाइफ और आपका लाइफ ईजी एंड सेफ हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें बताइए कि हमको इस टाइप का वीडियोस और बनाना चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी टॉपिक है, प्लीज़ कमेंट में डालिए। हम उन सारे टॉपिक्स पे, अगर वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम उन सारे वीडियोस को इस चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।